आयुष्मान भारत योजना में अभी 5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस का कवर दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 7.5 लाख या फिर 10 लाख तक किए जाने के कयास हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्चे के लिए कर्ज लेने में आ रही कमी के चलते लोगों की आय बढ़ी है। आयुष्मान भारत में अभी 5 लाख रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान है, इसे इस बार बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो आयुष्मान भारत मिशन के साथ ऐसी कुछ अन्य स्कीमों पर फोकस करने से व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य पर होने वाले जेब से बाहर के खर्च में वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2019 के बीच 16% तक की कमी आई है। स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के लिए कर्ज में कमी से लोगों की आमदनी भी बढ़ी है और इससे ग्रामीण खपत में बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। सरकार ऐसी कई योजनाओं का संचालन कर रही है जिनके जरिए जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके आवास, रोजगार, शिक्षा, पेंशन, बीमा जैसी कई योजनाओं पर बड़ी रकम खर्च की जाती है, इससे लाभार्थियों तक लाभ पहुँच सके। ऐसी ही एक योजना है आयुष्मान भारत योजना। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य योजना के तहत इंश्योरेंस कवर को 2 गुना तक बढ़ा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख रुपए से अधिक खर्च वाले कैंसर और प्रत्यारोपण जैसे उपचार को भी कवर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने वाले कैंसर और प्रत्यारोपण जैसे उपचार को भी कवर करने के लिए मंत्रालय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत बीमा राशि को 2023-24 से प्रति परिवार 5 लाख रुपए बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक करने पर काम कर रही है। 1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट में इस वृद्धि की उम्मीद है। आयुष्मान भारत की राशि को 2 गुना तक बढ़ाने के पीछे तर्क है कि लाभार्थी को कैंसर और ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाओं का भी लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं। चुनावी साल के कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट की घोषणा करेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 पूरा होते ही नई कैबिनेट में आम बजट की घोषणा होगी। वित्त मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि इस बार बजट बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। राजस्थान सरीखे राज्यों में भी स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ योजनाएं सुर्खियों में रह चुकी हैं। सरकारों के बदलते ही ऐसी योजनाओं का स्वरूप भले ही बदल जाता है, लेकिन कहीं न कहीं ये योजनाएं वरदान साबित हुई हैं। आंशिक सुधारों के साथ सामने आई खामियों को दूर करते हुए दूसरी सरकारों ने भी इन्हें कैरी किया है। राज्य और केंद्र की ऐसी योजनाओं से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़े बदलाव और सुधार सामने आ रहे हैं।